मेरे लिए फेमिनिज्म इक्वल प्लेइंग फील्ड, मैं यही चाहनी हाँ कि यू नो लेट मी डू माई थिंग। आई कभी मैं आई महसूस होंगे है कि तो मैं देखा भी है कि जो एक औरत एक पावर की पोजिशन च आ जाती है तो बंद कई बंद चीज़ हजम नहीं होंगी, दे गर अनकंफर्टेबल एंड दे मतलब बंदा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो एक औरत आ जाती है तो डेफिनेटली दे गैट अनकंफर्टेबल। सो दैट फॉर मी इज़ फेमिनिज्म। आई थिंक अजकल फेमिनिज्म काफ़ी लूसली यूज़ किया गया वर्ड एंड लॉट ऑफ पीपल आर यू नो मैं इन्नी पीऊँगी आई एम फेमिनिस्ट, मैं कपड़े उतारूँगी सोशल मीडिया पर आई एम अ फेमिनिस्ट, आई हैव एवरी राइट। इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक दैट इज़ फेमिनिज्म। सो मैं बस यही चाहनी कि इक्वल प्लेइंग फील्ड होवे सारिया ने। देखो मेरे लिए फेमिनिज्म इक्वल प्लेइंग फील्ड, मैं यही चाहनी हाँ कि यू नो लेट मी डू माई थिंग। कभी मैं आई महसूस होंगे है कि तो मैं देखा भी है तो अपनी फिल्म भी उस बारे है कि जो एक औरत एक पावर की पोजिशन च आ जाती है तो बंद कई बंद चीज़ हजम नहीं होंगी, दे गर अनकंफर्टेबल एंड दे मतलब बंदा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो एक औरत आ जाती है तो डेफिनेटली दे गैट अनकंफर्टेबल। सो दैट फॉर मी इज़ फेमिनिज्म। आई थिंक अजकल फेमिनिज्म काफ़ी लूसली यूज़ किया गया वर्ड एंड लॉट ऑफ पीपल आर यू नो मैं इन्नी पीऊँगी आई एम अ फेमिनिस्ट, मैं कपड़े उतारूँगी सोशल मीडिया पर आई एम अ फेमिनिस्ट, आई हैव एवरी राइट। इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक दैट इज़ फेमिनिज्म। सो मैं बस यही चाहनी कि इक्वल प्लेइंग फील्ड होवे सारिया ने। देखो मेरे लिए फेमिनिज्म इक्वल प्लेइंग फील्ड, मैं यही चाहनी हाँ कि यू नो लेट मी डू माई थिंग। कभी मैं आई महसूस होंगे है कि तो मैं देखा भी है कि जो एक औरत एक पावर की पोजिशन च आ जाती है तो बंद कई बंद चीज़ हजम नहीं होंगी, दे गर अनकंफर्टेबल एंड दे मतलब बंदा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो एक औरत आ जाती है तो डेफिनेटली दे गैट अनकंफर्टेबल। सो दैट फॉर मी इज़ फेमिनिज्म। आई थिंक अजकल फेमिनिज्म काफ़ी लूसली यूज़ किया गया वर्ड एंड लॉट ऑफ पीपल आर यू नो मैं इन्नी पीऊँगी आई एम अ फेमिनिस्ट, मैं कपड़े उतारूँगी सोशल मीडिया पर आई एम अ फेमिनिस्ट, आई हैव एवरी राइट। इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक दैट इज़ फेमिनिज्म। सो मैं बस यही चाहनी कि इक्वल प्लेइंग फील्ड होवे सारिया ने। देखो मेरे लिए फेमिनिज्म इक्वल प्लेइंग फील्ड, मैं यही चाहनी हाँ कि यू नो लेट मी डू माई थिंग। कभी मैं आई महसूस होंगे है कि तो मैं देखा भी है तो अपनी फिल्म भी उस बारे है कि जो एक औरत एक पावर की पोजिशन च आ जाती है तो बंद कई बंद चीज़ हजम नहीं होंगी, दे गर अनकंफर्टेबल एंड दे मतलब बंदा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो एक औरत आ जाती है तो डेफिनेटली दे गैट अनकंफर्टेबल। सो दैट फॉर मी इज़ फेमिनिज्म। आई थिंक अजकल फेमिनिज्म काफ़ी लूसली यूज़ किया गया वर्ड एंड लॉट ऑफ पीपल आर यू नो मैं इन्नी पीऊँगी आई एम अ फेमिनिस्ट, मैं कपड़े उतारूँगी सोशल मीडिया पर आई एम अ फेमिनिस्ट, आई हैव एवरी राइट। इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक दैट इज़ फेमिनिज्म। सो मैं बस यही चाहनी कि इक्वल प्लेइंग फील्ड होवे सारिया ने।